नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ की, जो मेरे मुताबिक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का। और क्योंकि आईपीओज में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रही है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पर आपके लॉट पेंट शायद उतनी नहीं आएगी जितना आप चाहते होंगे, तो उसके बाद दोबारा लिस्टिंग में आप और ऐड कर सकते हैं इसको। पर उस कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है, और इनकी अच्छी बात यह है कि इनकी ज़्यादातर केमिकल्स वो हैं जो कि एसेंशियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाते हैं। मतलब अगर किसी वजह से दोबारा कर्व्स लगे, लॉकडाउन हुआ, तो एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है, तो इनका जो काम है वो चलता रहेगा, डिस्पाइट कोई अगर लॉकडाउन हो तब भी चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि कंपनी काफ़ी अच्छी एस्टैब्लिश्ड है स्पेशलिटी केमिकल्स में, इनके पास बहुत अच्छी क्लाइंट बेस है। 2/3 एक्सपोर्ट है, 1/3 इंडिया में सेल होता है। जो इंडिया में सेल होता है उसमें दिग्गज कंपनी जैसे बेयर, एजी, विनती ऑर्गेनिक्स, एसआरएफ, ये ऐसी कंपनीज हैं। और जो एक्सपोर्ट भी होता है वो काफ़ी जगह पर होता है, चाइना में काफ़ी ज़्यादा होता है, मेजर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट चाइना में एक्सपोर्ट होता है, इसके अलावा बाकी यूरोप में काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है ज्योग्राफिकली भी और क्लाइंट वाइज भी। और अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 3 साल 2018 से 2021 में इन्होंने तकरीबन 59% ग्रोथ किया है अपने नेट प्रॉफिट को। 59% ग्रोथ नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 सालों में बहुत अच्छा संकेत है कि कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 36% है, जो कि अगेन काफ़ी मजबूती दिखाता है। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कर्जा है वो ना के बराबर है, और कंपनी बिल्कुल राइटली पोजिशन है, क्योंकि इस टाइम स्पेशलिटी केमिकल्स एक तरह से एक फेवरेट सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, और उसी को डील करती है कंपनी, तो एक उस तरह से भी इनके पास अच्छी टेलविंड है। वैल्यूएशन जिस तरह से बाकी आईपीओ लगाने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, हालांकि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई है, बट जिस तरह से बाकी आईपीओज आए हैं उस तरह से नहीं है, तो ज़रूर लिस्टिंग गेंस भी इसमें उम्मीद है बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा इसके पास बहुत ऑलरेडी जो ऑफर फॉर सेल है, नया पैसा कंपनी को नहीं चाहिए, तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, और ऑलरेडी काफ़ी अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। और मैं समझूंगा कि कंपनी के पास मेरे मुताबिक कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, बहुत वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, और जिस तरह से केमिकल्स की ग्रोथ हो रही है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है, कंपनी का स्कोप बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन मैनेजमेंट है, और ऑलरेडी काफ़ी दिग्गज प्रमोटर इन्वेस्टर्स इसमें आ चुके हैं, तो इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट करिए। और मैं एक राय दूंगा कि जब लिस्ट हो जाए, क्योंकि इसमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन होगा, उस टाइम ऐड ना करिए। तो कुछ दिनों बाद हर कंपनी का देखा जाता है कि जो लिस्टिंग गेन होते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत कंपनी में सेलिंग आती है, दबाव आता है शेयर प्राइस में, भले ही लिस्ट इशू प्राइस पर ना आए, पर लिस्टिंग प्राइस से ज़रूर एक करेक्ट करता है कंपनी का शेयर। तो आप इशू अभी सब्सक्राइब करें, जितने आ जाएँ बहुत अच्छा है, उसके बाद आप वेट करें जब लिस्टिंग गेन यूफोरिया जब थोड़ा सा छब्बी हो जाएगा, जब नीचे की तरफ ये करेक्ट कर जाएगा, तो उस टाइम धीरे धीरे करके और ऐड कर सकते हैं। मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत अच्छा ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। मेरा यूट्यूब देखने के लिए शुक्रिया। आप उसको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।